जोजो किड्स। आओ पेड़ लगाएं। एक दिन राजा शेर बहुत परेशान था। उन्हें जंगल में कट रहे पेड़ों से बहुत चिंता होने लगी थी। शेर ने एक सभा का ऐलान किया। सभी जानवर सभा में आए और राजा शेर ने उन सभी से कहा, मुझे जंगल में लगातार कट रहे पेड़ों से बहुत दुख पहुंचा है। ये पेड़ ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमारे जंगल और हम नहीं होंगे। आप सब भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। राजा जी की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं भी राजा जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना होगा राजा जी? पेड़ तो लगातार कट रहे हैं। मेरे पास एक उपाय है। हम सबको मिलकर एक अभियान शुरू करना होगा। अभियान? हाँ, हम सबको बरसात से पहले पूरे जंगल में हर जगह पेड़ लगाने होंगे। सभी जानवर शेर की बात का आदर करते हैं और बरसातों से पहले जंगल में हर तरफ पेड़ लगाते हैं। धीरे धीरे हर तरफ हरियाली बढ़ती जाती है और सभी जानवर मिलकर शेर को आकर धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, हमारे राजा कितने महान हैं। कितनी अच्छी अभियान की शुरुआत उन्होंने की और आज सभी पेड़ों के साथ हम कितने खुश हैं। हाँ, हर तरफ हरियाली है। ये पेड़ लगाना हम कभी बंद नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये अभियान कभी बंद नहीं होना चाहिए। चलो हम सबको चलकर राजा जी का धन्यवाद करना चाहिए। सभी जानवर मिलकर राजा शेर के पास पहुँचते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। राजा जी, ये सब आपकी सूझबूझ के कारण हुआ है। हम सब आपका धन्यवाद देने आए हैं। मैं अकेला भला क्या करता अगर आप सब न होते। यह सब आप सबकी मदद के बिना तो असंभव था। यह हरा भरा जंगल यही हमारी पहचान है। हम पक्षी पशु इन्हीं के सहारे जिंदा हैं। राजा जी, हम इस अभियान को कभी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ कि यह अभियान कभी बंद ना हो। आओ पेड़ लगाएं। मधुमक्खी का शहद। नदी के किनारे बड़ा सा एक पेड़ था जिस पर मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता था जिसमें बहुत सारा शहद था। सभी जल में रहने वाले जीवों को इंतजार रहता कि कब ये छत्ता टूटे और सबको शहद खाने को मिल जाए। एक दिन नदी के मगरमच्छ ने मधुमक्खी से कहा, कैसी हो मधुमक्खी रानी? आपने बड़ी मेहनत की है। आपका छत्ता तो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। इतना शहद किस काम का? तुम भी सारा दिन मेरे छत्ते की तरफ देखकर क्या कर लोगे? तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। मधुमक्खी ने मगरमच्छ की बेइज्जती की। मगर ने बदला लेने की भावना से एक दिन मौका पाकर पेड़ पर चढ़ना चाहा और अपने दोस्त बंदर को भी बहला फुसला कर मधुमक्खियों के खिलाफ कर दिया। दोस्त, जैसा मैं कहता हूँ करते जाओ, बहुत सारा शहद खाने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मगर ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और मधुमक्खियों को डराने के लिए बंदर से कहा, जाओ मंदिर से जलती हुई लकड़ी लेकर आओ और पेड़ को आग लगा दो। बंदर जल्दी से जलती हुई लकड़ियाँ लेकर आया। तब बंदर ने देखा कि उसे आने में जरा सी देर हो गई और मधुमक्खियों ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे छत्ते को तोड़ना चाहते हो, इस पेड़ को जला देना चाहते हो। तुम बहुत दुष्ट हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बंदर इतनी सारी मधुमक्खियों को एक साथ देखकर दुम दबाकर भागा और लकड़ी भी पानी में फेंक दी। मगर को उसके लालच की सजा मिल गई। जादुई नदी। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। दूर दूर से लोग उस नदी की पूजा करने आते थे।
जो भी सच्चे मन से नदी से कुछ मांगता, नदी का जादू उसे पूरा कर देता। एक दिन एक साहूकार नदी की पूजा अर्चना कर रहा था, तभी वहां से एक गरीब मजदूर निकला। उसने साहूकार की इच्छा सुन ली। हे नदी, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, मेरा काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, मुझे पैसे की कोई कमी ना हो। क्यों ना मैं भी नदी की पूजा अर्चना करूं, हो सकता है मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। कुछ दिन तक मजदूर ने पैसे इकट्ठे किए और पूजा का सामान खरीदकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा नदी का पूरा पानी सूख चुका था। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब तक इस नदी में पानी था मैं इसकी पूजा नहीं कर पाया, और आज जब मैं पूजा करने आया हूँ तो नदी में पानी ही कम पड़ गया है। हे प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे अपनी जवान लड़की की शादी करानी है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। निराश होकर मजदूर वहीं बैठा बैठा रोने लगा। रोते रोते मजदूर की आंखों के आंसू नदी में जाके रहे, क्योंकि वह मजदूर बहुत अच्छे और सच्चे मन का था। नदी में फिर से पानी भर गया। यह सब देख मजदूर हैरान रह गया। अरे, यह कैसे हो सकता है, ये कैसा जादू है, अभी अभी तो इस नदी में जरा भी पानी नहीं था, इतना पानी कैसे आ गया। तभी वहाँ नदी की देवी प्रकट हुई। सुनो पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे कारण ही मेरी नदी का जादू वापस आया है। सारा पानी सूख चुका था, यह जादू कभी वापस नहीं आता, जब तक किसी सच्चे मनुष्य के आंसू इस बची हुई नदी में ना पड़ते। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और बहुत जल्द तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। इतना कहकर देवी नदी में समा गई। मजदूर की बहुत जल्द सारी इच्छाएं पूरी हो गईं और वह खुशी खुशी रहने लगा। सोने का मटका। एक गांव में एक चंदन नाम का कुम्हार रहा करता था। उसके मटके कोई भी नहीं खरीदता था, वह बेहद गरीब था। एक दिन जब वह मटके बनाने के लिए मिट्टी लेने नदी के पास पहुंचा, तब उसे नदी किनारे एक बेहोश साधु मिला। साधु की हालत बहुत खराब थी। चंदन ने साधु को पानी पिलाया, उन्हें उठाकर उनके हाथ पैर की मालिश की और अपना भोजन उन्हें दे दिया। ये लीजिए महाराज, आपकी हालत बहुत खराब है, कुछ खा लीजिए। साधु कुछ ही देर में ठीक हो गया। साधु ने चंदन से कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ नदी के पास क्या कर रहे हो? मेरा नाम चंदन है, मैं एक कुम्हार हूँ, मैं मिट्टी लेने आया हूँ, परंतु आपको क्या हुआ, आप बेहोश कैसे हो गए? चंदन, तुम बहुत अच्छे हो, गर्मी और प्यास के कारण मैं बेहोश हुआ बेटा, अगर तुम ना आते तो ना जाने कितनी देर यहाँ पड़ा रहता। कुछ देर में साधु वहाँ से चला गया और जिस मटके से चंदन ने साधु को पानी पिलाया था वह सोने का बन गया। चंदन बहुत हैरान हुआ। अरे, ये कैसे हो गया, ये मटका तो मिट्टी का था, सोने में कैसे बदल गया, जरूर ये बाबा जी का चमत्कार है। घर पहुंचकर चंदन ने उस मटके को अपने बाकी मटकों के साथ रख दिया। जल्द ही चंदन के सारे मटके बिक गए। अब चंदन जब भी मटके बनाता तो सोने के मटके को अपने पास रख लेता। सोने के मटके का जादू इस कदर फैलता कि सारे मटके जो भी देखता खरीद लेता। एक दिन वही साधु भिक्षा मांगते हुए सोनू के घर आ पहुंचे। भिक्षा दे दो बेटा, भिक्षा दे दो। अरे अरे साधु बाबा, आप आइए आइए, अंदर आइए। सोनू ने साधु बाबा की बहुत खातिर की। बाबा ने अपने मटके को मंदिर के पास पड़ा देखा, तब उन्होंने पूछा, तुमने ये मटका बेचा नहीं? नहीं बाबा जी, ये तो आपका आशीर्वाद है, इसे मैं कैसे बेच सकता था। साधु बहुत खुश हुआ। और कोई होता तो इस मटके को बेचकर अपनी गरीबी मिटाता,
मगर तुम बहुत अच्छे हो सोनू, तुमने मेहनत करने की ठानी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इस तरह सोनू हमेशा मेहनत करता रहा और भगवान की कृपा से उसके हमेशा सभी मटके बिकते रहे। लालची शहद वाला। एक गांव में एक शहद वाला रहा करता था। पवन उसका नाम था। उसकी शहद बेचने की एक दुकान थी। हर रोज वह शहद की तलाश में जंगल में जाता और खूब सारा शहद इकट्ठा करके बेच देता। पवन हमेशा शहद तोलते समय ग्राहक को बातों में लगा देता और कम शहद तोलता। उसने अपने वजन कांटे पर चुंबक भी लगा रखी थी, जिस कारण पूरे पैसे देने पर भी लोगों को पूरा शहद नहीं मिल पाता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन गांव में एक और शहद की दुकान खुल गई। अब सभी गांव वाले उस नई दुकान से शहद खरीदने लगे। अरे यह क्या, सभी गांव वाले तो इसकी दुकान पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा काम बंद हो जाएगा, मुझे तो कुछ करना होगा। पवन उस नए दुकानदार से बहुत जलन करने लगा। नया दुकानदार, जिसका नाम श्याम था, बहुत अच्छा था। वह सभी ग्राहकों को हमेशा खुश रखता और वजन के मुताबिक ही पैसे लेता। गांव वाले श्याम की ईमानदारी से बहुत खुश थे। अरे बहन, जानती हो, इतने पैसे में पवन की दुकान से जरा सा शहद मिलता था, लेकिन श्याम उतने ही पैसों में दुगना शहद देता है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, इतने समय से पवन हमें ठग रहा था। एक दिन पवन ने बदले की भावना से श्याम की दुकान पर चींटियां छोड़ दी, जिससे उसका सारा शहद बर्बाद हो गया। अब फिर से पहले की तरह ग्राहक पवन की दुकान पर आने लगे। एक दिन वहाँ के राजा श्याम की दुकान पर पहुँचे और कहने लगे, मैंने तुम्हारे शहद की बहुत तारीफ सुनी है, जरा मुझे भी चखाओ। पर श्याम के शहद पर तो चींटियां लगी हुई थी। वह राजा से कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गांव का सबसे स्वादिष्ट शहद तो पवन के पास है। श्याम राजा को पवन की दुकान पर ले गया। वहां पहुंचकर राजा ने पवन का सारा शहद खरीद लिया। यह श्याम कितना अच्छा इंसान है, मैंने लालच में आकर इसका कितना नुकसान किया, मगर इसने राजा के सामने मेरी कितनी तारीफ की और सारा शहद बिकवा दिया। पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और श्याम के पास चला गया। माफ करो दोस्त, मैंने ही तुम्हारी दुकान पर चींटियां छोड़ी, तुम्हारा इतना नुकसान किया, फिर भी तुमने महाराज के सामने मेरी इतनी तारीफ की, मुझे माफ करो। तुम्हें अपनी भूल का एहसास है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तुम्हारा शहद वाकई में बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, बस तुम शहद की तरह अपने व्यवहार में मिठास ले आओ, फिर देखना काम करने में कितना मजा आएगा। प्लीज सब्सक्राइब।